आलोक जी जब गुजरात के मुताड में इतने लोग मारे गए थे तब क्यों नहीं बीजेपी का कोई नेता गया वहां पर लोगों की आवाज उठाने के लिए स्पूरियस लेकर शराबबंदी वाले राज्य में जब चर्चा होती है तो फिर या इन इन जगहों पर क्यों नहीं गए यहां पर भी बयालीस लोगों की मौत हुई थी तब क्यों नहीं बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे यह बताता है कि लोगों की मौत बस राजनीतिक सीढ़ी है देखिए राजनीतिक अवसरवादिता हर जगह रहती है और हर जगह लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि राजनीति में है ये सच्चाई है इसमें कोई दो मत नहीं है आप मुझे यह आश्चर्य हुआ कि आज आप एक फुटेज आप नहीं दिखा रही हैं क्योंकि ये बिहार में हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं संवेदनहीनता की मामला का और वो भी मुख्यमंत्री के स्तर पर संवेदनहीनता इससे भी बड़ी हुई है ये बोलना कुछ संवेदनहीनता तो है ही लेकिन इससे भी बड़ी संवेदनहीनता ये हुई कि बिहार में एक नियम है कि गरीब व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से चार हजार रुपये लकड़ी का इंतजाम करके दिया जाता है लेकिन यहां पे शराबबंदी के केस में से आठ गरीबों का अंतिम संस्कार हुआ है चंदा इकट्ठा करके सरकार ने नहीं दिया कहते हुए कि शराब पीने से मरे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी आपका बिहार तक इसको दिखा रहा था चैनल उनको दिखाइए कि क्या हो गया इनको ये शराबबंदी आप लागू नहीं कर पा रहे हैं इन उनचालीस मौत की जिम्मेदार तो नीतीश सरकार है ही क्योंकि प्रशासन तंत्र फेल था आपके आंख के नीचे थाना प्रभारी भट्टी चलवा रहा है जो कि आपके बिहार तक चैनल दिखा रहे हैं कि थाना प्रभारी पे आरोप है सारे गांव वाले कह रहे हैं थाना प्रभारी भट्टी चला रहा है आपके एसपी साहब आंख के सोए हुए हैं डीआईजी आंख उनके सोई है पुलिस प्रशासन विफल है इससे शराबबंदी फेलियर की जिम्मेदारी तो सरकार की है ये आरजेडी कहती थी तेजस्वी यादव कहते थे ऐसे दो महीने पहले तक कि शराबबंदी फेल है नीति फेल है शराबबंदी कैंसिल कीजिए मृत्युजय जी हैं खुद कितनी बार आपके चैनल पर आगे कह चुके हैं लेकिन मैं इसके अलावा जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को भी मानता हूं एक विश्लेषक की तरह डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट शराबबंदी से जुड़े हुए कानूनों पर फाइल लेकर बैठ गया है उस पर निर्णय नहीं दे रहा है कल को अगर सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देकर यह कानून कैंसिल करता है तो इन इन मौतों की जिम्मेदारी क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा अपने ऊपर सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है हर तरफ है मितुंजय जी से पूछिए आरजेडी का दावा था कि आते के साथ सरकार में हम समीक्षा करेंगे 2020 के चुनाव में कहते थे उसके बाद भी विपक्ष में रहके कहते थे आज क्या मानते हैं इस कानून की समीक्षा नहीं होनी चाहिए हर स्तर पे फेलियर रही है हर स्तर पे पूरा का पूरा प्रशासन लचर हो गया है और पुलिस कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं क्योंकि एक सिपाही से लेकर एक एसपी तक जिला में शराब से सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है, जी है। से पहले कि मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊं एक जवाब दीजिए क्या वाकई जो अंतिम संस्कार के लिए पैसा दिया जाता है सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है इन परिवारों को क्योंकि उनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है आ, अंजना जी सोच बोलिएगा क्योंकि अंजना जी बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, नहीं आ, जी, जी, है जो अजय आलोक जी कह रहे हैं और जब जानकारी नहीं हो तो इसे कमेंट करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है मुझे भी जानकारी लेनी पड़ेगी जो अजय आलोक जी कह रहे हैं और अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास मृत्युंजय तिवारी जी।, जी पहले तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि आप संवेदनहीनता की पाठ हर किसी को पढ़ाते हैं तिवारी जी पियोगे तो मरोगे ही आपके गले से नीचे उतर रहा है देखिए अंजना जी सबसे पहली बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अनुभव कितना लंबा है ये सबको पता है कितने लंबे समय से तो फिर वो केंद्र में मंत्री रहे हैं इतना छोटा बयान को आप जिस तरह से बड़ा कर दिखा रहे हैं उनका मतलब तात्पर्य है ही नहीं अच्छा, उनका कहने का मतलब है उन्होंने कहा तो हाँ है इसके बाद देखिए क्या लाइन कही है ये सब लोगों की सरकार सरकार के साथ साथ सब लोगों की जिम्मेवार है मीडिया हाउस हो किसी की आम पब्लिक की भी जिम्मेवारी है लोगों को जागरूक करें सरकार हर स्तर पर जागरूक करिए शराब मत पीजिए शराब बुरी चीजें ये सब जानते हैं लेकिन कोई अगर जहरीली शराब पी करके मौत हो रही है सरकार तो पूरी तरह से संवेदनशीलता दिखा रही है कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है लेकिन अगर आप इस बयान को इस तरह से पेश कर रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो यही ना कहा कौन भला कहेगा बीजेपी के लोग कहेंगे कि हाँ शराब पीना अच्छी बात है ये सब जानता है कि शराब पीने से खराब चीज है शराब को नहीं पीना चाहिए गुजरात में शराबबंदी लागू है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी ऐसी मैदान में किसी भी परिस्थिति में जिस दिन लोगों की रही उनके घर से दस उस दिन आपके मुंह से ऐसी लाइन निकलेगी अगर हाँ तो बोल दीजिए हाँ आप भी बोल सकते हैं नहीं देखिए 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 अंजना जी अंजना जी दोनों का दो तो संदर्भ है आप दोनों को कृपया करके एक करके ना कहें जो वहाँ पर घटना घटी है उन 40, 40 लोगों की जाने गई है सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है और इसका जांच किया जा रहा है असली मुजरिम कौन है चाहे कोई भी होगा पाताल से खोज कर निकाला जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी लेकिन शराबबंदी कानून का आदर नीतीश जी के फैसले का जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में पीठ थपथपाई थी सारे लोग हैं सारे लोग जानते हैं उन्होंने कहा था कि तो सा इसके सा खिलाफ है, है। तो नीतीश जी के साथ सरकार में शराबबंदी कानून लागू है लागू रहेगा जो गड़बड़ करेंगे वो भीतर जाएंगे वो नहीं बक्से जाएंगे